फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर वॉलपेपर को चेंज करेंगे, ये मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग ऊपर करना है। सेटिंग ऊपर करेंगे आपके सामने सेंटर पे आएगा और यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन है, माय वॉलपेपर्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप अगर पहले से आपका डाउनलोड है तो यहाँ से डाउनलोड किए वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसा कि यहाँ पर ये स्माइल है, यहाँ पर इसको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, तो किसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉक स्क्रीन अप्लाई हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर जो वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन पर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैक करना है और एक्सप्लेन मोर वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप चेकआउट, तो इसमें नेटवर्क अभी ऑन करके इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ऑन है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है थीम, नहीं हमें वॉलपेपर चाहिए, तो वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से इसे अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने नेटवर्क ऑन कर दिया है, उसके बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ चेंज करके वॉलपेपर। लॉन्ग प्रेस करेंगे, शॉर्टकट तरीके से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉलपेपर का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क अगर सही चलता है तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और काफ़ी आपको वॉलपेपर्स देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अगर यहाँ पर वॉलपेपर्स की बात करूँ तो मैंने वॉलपेपर्स आपको तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री वॉलपेपर चाहिए तो फ्री पर क्लिक कर दीजिए और फ्री वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सैमसंग में हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके आप देख पा रहे हैं तो फ्री वॉलपेपर से यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर ये देखिए खूबसूरत वॉलपेपर, और यहाँ पर इसे डाउनलोड करेंगे। कम्प्लीटली हो जाएगा, उसके बाद ही अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया है, फिर आपके सामने तीन वही ऑप्शन ओपन हो जाता है, किस पर सेट करेंगे, होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही वॉलपेपर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेट, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन दोनों पर एक ही वॉलपेपर, सेम वॉलपेपर अप्लाई हो जाए। और ये हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बटन पर क्लिक करेंगे, लॉक करके आपको हम लॉक स्क्रीन पर सेम वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वॉलपेपर्स को डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं आप। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।